इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का पूरा खाका बनकर तैयार हो गया है। मेट्रो ट्रेन के कुल 29 स्टेशन होंगे। कहां कहां होंगे ये स्टेशन और किस रूट से अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो ट्रेन, आइए आप भी जान लीजिए। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 3 दिनों से शहर में सर्वे कर रही टीम ने इंदौर में 31.55 किलोमीटर में बनने वाले 29 स्टेशनों का सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। इस दौरे के बाद सबसे बड़ी दुविधा का समाधान भी हो गया है, जिसमें सवाल उठ रहे थे कि मेट्रो रिगल के बाद राजबाड़ा तक अंडरग्राउंड कैसे जाएगी। निगम आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होगा, इसके बाद रेलवे ट्रैक को पार कर मेट्रो अंडरग्राउंड होते हुए 647 मीटर दूर राजबाड़ा के अंडरग्राउंड स्टेशन पर जाएगी। इसके बाद एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर पूरे 25 किलोमीटर के रूट पर एलिवेटेड रूट से ही निकलेगी। दरअसल रविवार से मेट्रो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट की टीम पूरे शहर में घूमकर एक एक मेट्रो स्टेशन की डिजाइन फाइनल करने में लगी है। इसमें टीम ने पहले दिन MR10 के 10 स्टेशनों की डिजाइन फाइनल की, फिर सोमवार और मंगलवार को 10 से ज्यादा स्टेशन देख लिए। टीम हर स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की डिजाइन तैयार कर रही है। इसके साथ ही रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन भी कर रही है। इसके लिए मेट्रो स्टेशन की जद में आने वाले लोगों के भवन, दुकान या प्रतिष्ठान की जानकारी एकत्र कर लिस्टिंग की जा रही है। अभी टीम को कुछ स्थानों पर प्रतिष्ठान के मालिक मिल रहे हैं तो कुछ स्थानों पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहां का मालिक कौन है। इसके कारण आकलन करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसमें प्रमुख सचिव अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पत्रकार कॉलोनी चौराहे पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा, इसके बाद 646 मीटर दूर पलासिया चौराहे पर स्टेशन होगा। यही दो स्टेशन मेट्रो के पूरे रूट में सबसे पास होंगे। रेलवे स्टेशन से राजबाड़ा के बीच कोई स्टेशन नहीं रहेगा। रेलवे स्टेशन पर मेट्रो के इस रूट का आखिरी एलिवेटेड स्टेशन होगा। इसके बाद मेट्रो बड़ी लाइन का रेलवे ट्रैक पार करने के बाद अंडरग्राउंड रूट पर चली जाएगी और सीधे राजबाड़ा पैलेस वाले स्टेशन पर रुकेगी। इन्हीं दो स्टेशनों की दूरी पूरी रूट पर सबसे ज्यादा 1848 मीटर होगी। मेट्रो के सुपर कॉरिडोर पर 6 स्टेशन होंगे, जबकि राजबाड़ा के बाद छोटा गणपति, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, BSF, कॉलोनी नगर के अंडरग्राउंड स्टेशन पर भी रुकेगी और एयरपोर्ट तक मेट्रो अंडरग्राउंड रूट पर ही चलेगी। इसके बाद गांधीनगर का स्टेशन एलिवेटेड होगा और फिर मेट्रो सुपर कॉरिडोर पर आएगी। यहाँ कुल 6 स्टेशन होंगे। ठीक है, मेट्रो के लिए भी 29 स्टेशन जो है वो चिन्हांकित हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि राजवाड़ा और बड़ा गणपति के बीच में जो मलारगंज थाने के आसपास का एक स्टेशन है, उस पर भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर जगह अवेलेबल उतनी नहीं हो पा रही है। उस पर भी कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 29 स्टेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी एंट्री एग्जिट कहाँ से होगी उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारी मेट्रो है, एयरपोर्ट से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर और कनाडिया होते हुए जो पलासिया क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास तक वो एलिवेटेड रहेगी और उसके बाद फिर अंडरग्राउंड रहेगी, उसके बाद एयरपोर्ट तक वो अंडरग्राउंड ही रहेगी। तो पूरा का पूरा रिंग बनेगा, इसमें से कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड है, कुछ पोर्शन एलिवेटेड है।